जो बड़े भारी, आपने बुरा नहीं मान जाना क्योंकि आप भी कॉन्वेंट से पढ़े हुए, लेकिन मेरा ये मानता है कि कॉन्वेंट से भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको थोड़े बहुत संस्कार जो पता होना चाहिए, इतना हाई फाई ना बन जाए कि वो सारे संस्कार ही भूल जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है, कविता का नाम है आधुनिक युवक। युवक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ प्रतिष्ठित परिवार, उस पर प्राइवेट कंपनी में उच्च अधिकारी, गम की ना कोई दरकार थी। कन्या एक सामान्य स्कूल में पढ़ी हुई मध्यम परिवार, सुशिक्षित सुसंस्कारित, उसके साथ पढ़ने सूत्र में बंधने को तैयार थी, यानी दोनों की शादी होना तय हो गया था। इसी सिलसिले में कन्या के पिता के घर भाभी दंपति की पहली मुलाकात थी। संस्कारों वाला परिवार होगा ना, उसमें ये कि भी अगर लड़के लड़की ने मिलना भी है तो काम मिलेंगे पिता के घर में हैं। दोनों की जोड़ी जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी, दोनों की जोड़ी जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी, दोनों ही पक्षों को ये शादी स्वीकार थी। तभी एकांत कमरे में लड़के ने लड़की से कुछ ऐसा कह दिया, एकांत कमरे में लड़के ने लड़की से कुछ ऐसा कह दिया, अगले ही क्षण कन्या कमरे से बाहर गई। दोनों परिवारों की सारी आशाएं ध्वस्त हो गई। अब कन्या को इस पढ़ने सूत्र से साफ साफ इनकार था। लड़के ने कुछ कह दिया और उसने बोला कि नहीं भाई, मैं नहीं इसकी शादी करूंगी। है वर पक्ष के चले जाने के बाद, वर पक्ष के चले जाने के बाद कन्या खुल के बोली थी, लड़का यूं तो अच्छा था पर सामान्य ज्ञान की बहुत तंगी थी। वर पक्ष के चले जाने के बाद कन्या खुल के बोली थी, लड़का यूं तो अच्छा था पर सामान्य ज्ञान की बहुत तंगी थी। मूर्ख कह रहा था तुम्हारे दादाजी कितने सिंपल हैं, मूर्ख कह रहा था तुम्हारे दादाजी कितने सिंपल हैं, जबकि कमरे में केवल महात्मा गांधी की तस्वीर टंगी थी। उसने उसको महात्मा गांधी का भी नहीं पता है ना। तो कहने का मतलब है एजुकेशन लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भी हमारे राष्ट्रपिता कौन है। बोलते तुम्हारे दादाजी कितने सिंपल हैं। अब ये देखो, ठीक है, अब जी एक मैं साथ के साथ आपको एक और कविता आके मतलब भी सुना देता हूँ कि लाइफ में कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, चुनौतियाँ या खामोशियाँ, क्या चाहते हो। एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या तुम जिंदगी में सुकून ला सकते हो। एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या तुम जिंदगी में सुकून ला सकते हो। होना जहां गम कोई ऐसी बस्ती बता सकते हो। मैंने कहा अवश्य, पर पहले तुम ये पक्का कर लो तुम सचमुच ही सुकून पाना चाहते हो। चुनौतियों से खेलने का मजा यूं व्यर्थ में ही गवाना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बस बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ। बहुत उलझ लिया जिंदगी से, अब खामोश रहना चाहता हूँ। मैं तुरंत उसे कब्रिस्तान ले आया और विनम्रता से समझाया, देखो मित्र, यहाँ बहुत से मनुष्य कई वर्षों से चुपचाप पड़े हैं, उन्हें ना कोई गम है ना कोई गिले हैं। मित्र मेरी मानो तो यहाँ आ जाओ और एक ही दिन में तमाम कष्टों से मुक्ति पाओ। आगे लास्ट है, अरे ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास करवाती हैं। खामोशियां जिंदा दिलों की चाहत नहीं, केवल मुर्दों को भाती। खामोशियां जिंदा दिलों की चाहत नहीं, केवल मुर्दों को भाती। ठीक है कि नहीं? तो मैसेज यही हुआ कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर मुश्किलें हैं तभी वो आपको जीवित रहने का एहसास जो है वो होता है, और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस जो है वो करना चाहिए।